बिल्कुल पवित्रा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो रॉकी को अग्नि वेताल रूप से मुक्त कर दे, लेकिन पवित्रा ये करने में अब तक नाकामयाब दिख रही है। साथ ही रॉकी और रानी इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि पवित्रा हार मानने वालों में से नहीं है, पवित्रा पूरी कोशिश करेगी शादी को रोकने की। वेल यहाँ पर रॉकी बोलते हैं कि पवित्रा क्या ही कर देगी, कल शादी है, वो एक दिन में कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो इस शादी को नहीं रोक पाएगी। साथ ही पवित्रा अपने प्लान को डिस्कस कर रही होती है कि उसी दौरान वहाँ पर पहुँच जाते हैं रॉकी। वेल अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रॉकी पवित्रा के प्लान को सुन लेंगे, क्या रॉकी पवित्रा के प्लान को बता देंगे रानी को, या फिर रॉकी और पवित्रा मिलकर कर रहे हैं रानी के साथ कोई छल। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।